मुंगेर के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष लगाव रहा है। लोकप्रिय मांग था यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। हर मीटिंग में जब हम लोग आते थे, मुख्यमंत्री जी आते थे, तो सब लोग प्ले कार्ड वगैरह लेकर खड़े रहते थे। जब पुल के उद्घाटन में मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए थे, तो उसमें भी हमने रास्ते में उनसे आग्रह किया था, और अभी 3 दिन पहले भी मैंने उनसे आग्रह किया है। और मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के विचाराधीन है। ऐसे भी मुंगेर के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष लगाव रहा है। ये रेल सह सड़क पुल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि वानिकी कॉलेज, ये सारा चीज दिया उन्होंने मुंगेर। इसके अलावा जो पेयजल की समस्या है मुंगेर में, उस पेयजल की समस्या के समाधान के लिए 2-1.5 महीना पहले हम जब आए थे अस्पताल में उद्घाटन के लिए, तो उसमें हमने जिलाधिकारी से विमर्श किया था। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि वो इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं, और मई जून के बाद पीने के पानी की समस्या मुंगेर में नहीं रह जाएगी। तीसरी बात कि जो 222 घर मुंगेर मिर्जा चौकी NH 4 लेन में जो जाने की बात है, उसके लिए भी हम लोगों ने भूतल परिवहन मंत्रालय से संपर्क किया है। भूतल परिवहन मंत्रालय के माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमने पुल के उद्घाटन के अवसर पर भी उनको ये किया है, आग्रह किया था, उन्होंने स्वीकार भी किया है। उनका पत्र का जवाब भी मेरे पत्र का उनका आया है, तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं कि वो 222 घर नहीं टूटे और 4 लेन भी बन जाए, उसके लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध है। और वैसे भी मुंगेर के प्रति माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विशेष लगाव रहा है। ये रेल सह सड़क पुल, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि वानिकी कॉलेज, ये सारा चीज दिया उन्होंने मुंगेर। अब मुंगेर में जब इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, तो कहीं जगह नहीं मिल रही थी। जिला प्रशासन पाटम में और इधर धरहरा में जमीन खोज रही थी। हमने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज अगर बनना है तो उसको शहर में बनना चाहिए, तो पता चला कि एग्रीकल्चर फार्म का जो जमीन है उसमें जमीन उपलब्ध है। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई एग्रीकल्चर फार्म में से 7 एकड़ जमीन दे दीजिए, और मुख्यमंत्री जी ने तत्काल कृषि मंत्रालय को आदेश किया कि भाई 7 एकड़ जमीन ट्रांसफर कर दीजिए। तो 7 एकड़ जमीन ट्रांसफर हो गया, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार हो गया। उसके अप्रोच रोड की समस्या है, वो अभी समस्या का समाधान हो रहा है। तो इस तरह मुंगेर के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब लोग सदैव प्रयत्नशील हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ख्याल रहता है मुंगेर पर। अभी ऋषि कुंड को पर्यटन स्थल में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सब काम होगा तो मुंगेर एक आकर्षण का केंद्र होगा। मुंगेर के आर्थिक उन्नति के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। यहाँ के लोगों के व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये सारी सुविधाएं यहाँ होगी। प्रदेश से कोई प्रदेश में बहुत लोग होता है ना सर। अब ये तो प्रदेश अध्यक्ष का काम है, प्रदेश अध्यक्ष इस काम को करते हैं। हम तो प्रदेश का काम देखते नहीं। प्रदेश अध्यक्ष ने कोई चिट्ठी जारी किया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति किसी को प्रदेश कार्यालय के नाम पर सूचना नहीं दे, और प्रदेश कार्यालय में जो अधिकृत व्यक्ति है उनकी सूची उन्होंने जारी किया, तो इसमें कौन खास बात है। अब आप बताइए ना, आप हैं जिस अखबार के पत्रकार, आपके नाम पर कोई दूसरा अगर फोन करेगा कहीं कि हम फलना पत्रकार बोल रहे हैं, तो उस पर आपका मैनेजमेंट क्या करेगा? उसका मैनेजमेंट आपका क्या करेगा? कहेगा ना कि फलनवा हमारे अधिकृत व्यक्ति है, उन्हीं की बात में वही काम है। ये रूटीन जॉब बच्चे और जिला प्रशासन और राज्य सरकार उसकी जांच करेगी, और जो भी उसके लिए दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। मेरा एक लास्ट सवाल सर, यूपी चुनाव पर बता चुके हैं, लास्ट के जब चल रहे हैं यूपी चुनाव में क्या होगा? यूपी चुनाव में अब तो चुनाव 10 तारीख को रिजल्ट दिखिएगा क्या होता है। जो रिजल्ट होना है जनता के हाथ में, प्रजातंत्र में तो जनता मालिक, उस पर प्रतिक्रिया क्या देना आप? 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट बताएगा कि क्या वहाँ चुनाव हुआ। लेकिन मणिपुर में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा है,
और मणिपुर में हम लोग को आशा है कि हम लोग अच्छी संख्या में सीटों पर जीतेंगे।